हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है। आज का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। चैप्टर नंबर 8 में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होते हैं तब आपका वो पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो हम इसमें डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है। बेसिकली आपका जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है या सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहलाता है, या सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होती है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहलाता है। ये जरूरी नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, लेस एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो लोग काम करना चाहते हैं उसे काम मिल रहा है वो आपका क्या कहलाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बंदा खुद अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, मार्केट रेट पे उसको काम मिल रहा है बट वो काम नहीं करना चाहता, नॉट विलिंग टू वर्क, तो आपका क्या कहलाता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक पर्सन काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा, डजंट गेट वर्क, तो आपका कहलाएगा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनिच्छा से काम नहीं मिल रहा उसको। अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा जब लोग काम तो करना चाहते हैं, सप्लाई तो है बट डिमांड नहीं है काम की, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ओके, अब हम करते हैं बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। आपका इनकम होगा, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इनकम का जो इंक्रीज होने का रेट है वो बेसिकली आपका 20 रेट से चलेगा, और कंजम्पशन इंक्रीज होने का रेट आपका 10 की रेट से चलेगा, क्योंकि इनकम आपका तेजी से इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट रहता है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड आ जाता है आपका। ओके, जब इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जरूर होती है, उसी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होती है। सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया बाकी आपका क्या बच जाता है, सेविंग बच जाता है। ठीक है, -10 इस तरह से स्टार्ट होता है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है आपका, बेसिकली कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग आपका इस तरह से आपका चलता है एग्रीगेट सप्लाई। ये नेशनल इनकम के इक्वल होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो हमने टेबल समझी, अब हम समझते हैं इसके अंदर बेसिकली जो हमने टेबल समझी उसमें डायग्राम। नीचे तो हम इनकम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम सारे पॉइंट ले लेते हैं। कंजम्पशन आपका यहाँ से शुरू होता है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि कुछ ना कुछ इनकम, कुछ इनकम ना हो तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे, तो ये इस रेट से आपका इंक्रीज होता है। और एग्रीगेट डिमांड आपका इसका पैरेलल होता है, और आपका एग्रीगेट सप्लाई या इनकम आपका 45 डिग्री एंगल पे बनता है इस तरह से। तो जब ये कंजम्पशन को कट करता है तब आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जब आपका ये इस पॉइंट पे स्ट्रक करता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तब ये कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये पॉइंट था आपका जो हमें इस चैप्टर में मेन कंसिडर करना है। और अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में, आपका इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होता है, सेविंग आपका नेगेटिव से स्टार्ट होकर ऐसे ऊपर की तरफ पुश होता है। जब ये जीरो होता है तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जब आपका यहाँ पर आता है तब ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है मार्केट का। तो हमने समझा अलग अलग टॉपिक के अंदर, एग्रीगेट एड इज इक्वल टू ए समझा और एस इज इक्वल टू आई समझा। हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंडिचर होता है जो नई कैपिटल असेट खरीदते वक्त आपका लगता है। ये एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो डिपेंड करता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर और जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है इनकम से। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो चेंज होता रहता है डायरेक्टली। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन लेवल ऑफ इनकम और नॉट इंक्लूड इट इज इनकम इन इलास्टिक, ये क्या होता है, चेंज नहीं होता आपका। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज होती रहती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज नहीं होती। तो हमने प्रीवियस टेबल में आपने देखा कि हमने कौन सी ली थी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ली थी। एक्सेंट सेविंग क्या होता है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सेंट क्या होता है, बेसिकली ऐसी सेविंग होती है जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे होती है एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। ओके, इसको बोलते हैं प्लांट सेविंग। एक्सेंट मतलब जो हम सोच के चलते हैं उसको बोलते हैं प्लांट सेविंग। और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट ये भी क्या होती है, आपकी प्लांट इन्वेस्टमेंट होती है जो हम पहले से एट द बिगिनिंग सोच के चलते हैं। एक्सपोस्ट होती है रियलिस्टिक सेविंग एट द एक्चुअल, जो रियलिस्टिक होती है। ओके, तो जो इन दोनों के बीच का गैप होगा वो आपका डिफरेंस कहलाएगा। और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट
आपकी जो रियल में इन्वेस्टमेंट, आपने एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है प्लीज़, इस पर एक मार्क्स में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, अच्छे से कर लेना प्लीज़ आप। करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा डिटेल में, अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में सीखते हैं कि इनकम चेंज होने की, इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इसके काफ़ी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, प्रैक्टिकल में यूज़ होगा इसका, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर 1/1 माइनस MPC, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो उससे भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, या 1/MPS, ओके। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिटवीन 1 to infinitive, ओके। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। एक्सेस डिमांड क्या होती है आपकी, बेसिकली एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जितनी ज़्यादा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सेस डिमांड कहलाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जितनी एक्सेस डिमांड हुई उसी को, उससे क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है। डिमांड ज़्यादा होने से क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, महंगाई आती है, इसी को ही बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दिस गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा आपका। डेफिशिट डिमांड, हमने एक्सपेक्ट किया था 100 क्वांटिटी सेल करेंगे बट बिका कितना, सिर्फ 80 क्वांटिटी, तो जितना कम बिका वो आपका क्या कहलाएगा, डेफिशिट डिमांड। डेफिशिट डिमांड मीन्स डेफिशिट एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एक्स एग्रीगेट सप्लाई, जितना कम पड़ा वो आपका क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड, जिसकी वजह से मंदी आती है तो आपका डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा आपका वो, ओके। तो जितना ज़्यादा ये कम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट डिमांड, उसकी वजह से ही क्या क्रिएट होगा आपका, डिफ्लेशनरी गैप। अब हम समझते हैं इसी बात को, देखिए चेंज इन इनकम फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वो आपका इधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, चेंज इन इनकम भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे, ओके। ये ऐसे बनेगा आपका चेंज इन इनकम, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ इंटू में, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आपका क्या बन जाएगा, मनी मल्टीप्लायर, ये क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और बैंकिंग वाले चैप्टर में क्या था, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर था, प्लीज डिफ्रेंशिएट क्लियर रखना आपका यहाँ पर, ओके। तो हमने ये मनी मल्टी क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक डिस्कस किया, हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए यहाँ पर। मेन टॉपिक थे इक्विलिब्रियम का टॉपिक था आपका, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट में अलग अलग टाइप्स थे, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, उसके फॉर्मूलाज थे डिफरेंट। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी सजेशन है, कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ हमें बताइए, कोई भी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए तो प्लीज़ टेल अस। थैंक यू, बाय।